टॉप 10 डेंजरस बाउंसर इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, दुनिया में जितने भी तरह के खेल खेले जाते हैं उन खेलों में मजा तो आता ही है, पर जब बात क्रिकेट की हो तो ये खेल उन सभी खेलों से जरा हटके है। इस खेल में एक प्लेयर जुनून, जज्बात, हिम्मत और ताकत जैसी हर एक चीज जुटाकर अपने आप को क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा करता है और अपने देश को सबसे आगे रखने का हर मुमकिन कोशिश करता है। कई बार तो प्लेयर अपनी जीत के लिए इतने जुनून में होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में कई बार बॉलर के गुस्से और ताकत खतरनाक बाउंसर के रूप में निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जिमी एंडरसन। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हो रहे इस टेस्ट मैच में एंडरसन के सामने जो भी बैट्समैन उनकी बॉल फेस करने आ रहे थे, एंडरसन उनको बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे थे। ऐसा ही एक बाउंसर का सामना डेनियल फ्लिंक को करना पड़ा। डेनियल इस बाउंसर को पुल करने के प्रयास में चूक गए और ये खतरनाक बाउंसर वाली बॉल सीधे उनके जबड़े पे जा लगी, जिससे उनका सामने वाला दांत भी टूट गया। एंडरसन के इस खतरनाक बाउंसर को डेनियल का हेलमेट भी कुछ नहीं कर पाया। इस इंसिडेंट के बाद चोटिल डेनियल को रिटायर हर्ट होना पड़ा। नंबर 9, जहीर खान। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस ओडीआई मैच में इंडिया के सबसे धाकड़ माने जाने वाले बॉलर जहीर खान ने 48वें ओवर में, जब पाकिस्तान का स्कोर 256 रन पर 7 विकेट था, तब स्ट्राइकर इन पर बैटिंग कर रहे राशिद लतीफ को एक बाउंसर बॉल डाली। लतीफ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बॉल को अभी समझ पाते कि बॉल उनके हेलमेट पे जा लगी। इस बाउंसर से राशिद लतीफ संभल नहीं सके और वो पिच पर गिर गए। हेलमेट की वजह से इनको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ और वो खेलना जारी रखे। नंबर 8, ब्रेटली। बात हो रही हो बाउंसर की और इस खिलाड़ी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बीबीएल में खेले जा रहे एक मैच में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे ब्रेंडन मैकुलम को सिडनी सिक्सर के खतरनाक बॉलर ब्रेटली के 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हुई बॉल को पुल करने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट को मिस करते हुए सीधे उनके हेलमेट पे जा लगी। बॉल की स्पीड तेज होने के कारण उनके नाक के ऊपरी हिस्से पर गहरी चोट आ गई, जिससे उनकी नाक से काफी खून बहने लगा और मैकुलम को रिटायर हर्ट होना पड़ा। नंबर 7, जोफ्रा आर्चर। इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलने वाले जोफ्रा आर्चर अपनी गजब की यॉर्कर बॉलिंग के लिए फेमस माने जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहे इस टेस्ट मैच में जब स्मिथ 80 रन पर खेल रहे थे, तभी आर्चर ने पारी के 77वें ओवर की दूसरी बॉल को 149 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाउंसर डाली, जिसे स्मिथ खेल नहीं पाए और बॉल उनके गर्दन पे जा लगी, जिसके वजह से वो चक्कर खाकर पिच पर गिर गए। गर्दन पर चोट लगने की वजह से वो अपने गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सके और रिटायर हर्ट होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। नंबर 6, शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर स्पीड के बादशाह शोएब अख्तर जब फील्ड पर आते थे तो अपनी खतरनाक बाउंसर से बल्लेबाजों पर सिर्फ कहर भर पाते थे। ऐसा ही 2003 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में गैरी कैटसन शोएब अख्तर को फेस कर रहे थे। इसी बीच शोएब ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली बॉल को बाउंसर दे मारी और ये बाउंसर बॉल गैरी के हेलमेट को तोड़कर फेस पे जा लगी, जिससे गैरी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून बहने लगा। चोट इतना गहरा था कि गैरी को इस मैच से रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। नंबर 5, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो अपनी यूनिक बॉलिंग स्टाइल और यॉर्कर से सामने खेल रहे बल्लेबाज के सिर्फ अंगूठे तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, पर 2019 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में इन्होंने मार्कस हैरिस को आड़े हाथ लेते हुए एक बाउंसर दे मारी, जिसे हैरिस खेल नहीं पाए और बॉल सीधे उनके हेलमेट पे जा लगी। बॉल की स्पीड तेज होने की वजह से हैरिस संभल नहीं पाए और वहीं पीछे की तरफ गिर गए। नंबर 4, केमार रोच। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने वाले केमार रोच अपनी आक्रामक बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। सीपीएल मैच के दौरान केमार रोच चौथे ओवर में क्रीज पर खड़े दिलशान को 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बाउंसर बॉल डाली, जिसे दिलशान ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट को बिना टच किए सीधे हेलमेट पे जा लगी। बॉल में अच्छी खासी गति होने के कारण दिलशान को आंख के ऊपरी हिस्से में चोट आई और खून बहने लगा। केमार रोच की इस तगड़ी बाउंसर ने खतरनाक दिलशान को मैच से रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। नंबर 3, लसित मलिंगा। दोस्तों, लसित मलिंगा को कौन नहीं जानता। MSD को छोड़ दे तो इन्होंने अपने अनोखे अंदाज वाली सटीक यॉर्कर से अच्छे अच्छे बैट्समैन को धूल चटाई है, लेकिन इस बारी मलिंगा ने रायली रूसो को बाउंसर बॉल डाली, जिसे रूसो ने पुल करने की नाकाम कोशिश की। बॉल और बैट का संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन बॉल रायली के हेलमेट को जरूर हिट कर दी। अब बॉलर मलिंगा हो तो सामने खड़े बैट्समैन का हाल तो बुरा होना लॉजिक सी बात है। इस खतरनाक बाउंसर ने रूसो के मुंह को खून से लाल कर दिया। नंबर 2, एक बार फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। दोस्तों, वो चाहे कोई भी बड़े से बड़े बल्लेबाज हो, शोएब अख्तर के सामने टिक पाना एक अलग ही टाइप का चैलेंज होता था, पर इस बारी कुछ अलग ही सीन था। क्रीज पर खड़े थे दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा,
जिन्होंने टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 400 रन की नाबाद पारी खेली है। लेकिन शोएब अख्तर इन्हें भी टारगेट में लेते हुए एक बाउंसर बॉल फेंकी। ब्रायन लारा अभी समझ पाते तब तक बॉल उनके गर्दन पे लग चुकी थी, जिससे वो वहीं पिच पर गिर पड़े। और नंबर वन सॉन एबॉट, जिसके बाउंसर से फिलिप ह्यूज की जान चली गई। 2014 में खेले जा रहे एक घरेलू मैच में सॉन एबॉट ने फिलिप ह्यूज को 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बॉल को बाउंसर का रूप दे दिया और ये बाउंसर बैटिंग कर रहे फिलिप ह्यूज के सर पे जा लगी, जिससे फिलिप बेहोश होकर वहीं गिर गए। जल्द ही ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन जिंदगी से जंग लड़ने के बाद फिलिप 26 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा बोल गए। तभी से आज तक 27 नवंबर को क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन मान लिया गया। टॉप 10 डेंजरस बाउंसर इन क्रिकेट हिस्ट्री का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।